name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. आज की वीडियो सुपर रिक्वेस्टेड होने वाली है. मैंने जब से जिम ज्वाइन किया ना, मुझे सबसे ज्यादा यही कमेंट्स आते थे, डीएम्स आते थे इंस्टाग्राम पर, ब्लिस क्लब को रिव्यू करो दीदी, बताओ ब्लिस क्लब कैसा है, इसकी जिम टाइट्स कैसी हैं, लेगिंग्स कैसी हैं, पैंट्स कैसी हैं, जो फ्लेयर पैंट्स चल रही है. बिकॉज ब्लिस क्लब एज अ ब्रांड आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है. सो मेनी पीपल, सो मेनी क्रिएटर्स आर टॉकिंग अबाउट इट. और सिंस मैं ऑब्वियसली जिम जा रही हूँ, तो मैं प्रॉपर इनको टेस्ट भी कर सकती थी. सो आई डिसाइडेड टू कोलैबोरेट विद देम. व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी, आई वाज सुपर सुपर हैप्पी. बिकॉज जब एक ब्रांड के बारे में आपने अच्छा सुना होता है ना, तो आपका खुद का मन करता है उसको ट्राई करने का. सो सब कुछ मैंने प्रॉपर पहना है, टेस्ट किया है जिम में, और मेरा ओपिनियन 100% ऑनेस्ट होने वाला है. इट्स नॉट लाइक कोलैबोरेशन है तो मैं बायस बोलूंगी, नो, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस. एक चीज नहीं प्रॉपर मैंने जिम में पहनी, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज ट्राइड एंड टेस्टेड. तो मेरा एक कशिका ज्ञान मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारा. सो अगर आप इस ब्रांड में इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है. ऑल्सो मैंने सब कुछ अलग अलग कलर्स में मंगाया है. स्पेसिफिकली मैंने ध्यान रखा कि मैं सारी डिफरेंट कलर्स में मंगाऊँ, सो दैट मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ इनकी कलेक्शन के डिफरेंट कलर्स का. आपके पास भी एक कलर की वैरायटी का ऑप्शन दिख जाएगा कि मेरे कैमरा पर ये कलर्स कैसे दिखते हैं. सो आपको भी एक अच्छा क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले आपको पता है, फटाफट से सब्सक्राइब बटन को हिट करो, बेल आइकन को हिट करो, एंड नाउ लेट्स गो. सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की. इफ यू हैव नो आइडिया, ब्लिस क्लब इज अ वुमेन फाउंडेड ब्रांड एंड दे स्पेसिफिकली डील इन एक्टिव वेयर. बेसिकली इनका जो पूरा आइडिया, इट इज अबाउट वुमेन हु मूव. सो इनके मेजर जो रेंज है वो एक्टिव वेयर में ही है, बट दे आर सो ब्यूटिफुली डिजाइन कि आप उनको डेली लाइफ में पहन सकते हो. उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि खाली वो जिम वेयर है. तो मेरे जितने पार्सल थे ना, वो ऐसे पैकेट्स में आए थे. मैं आपको प्रॉपर रिव्यू कर रही हूँ, तो मैं आपको स्क्रैच से बताने वाली हूँ. मैं इनके पैकेट संभाल के रखे थे. सो ऐसे ये पैकेट्स में आते हैं, यहाँ पे मूव लिखा है. द बेस्ट पार्ट इज ये सारे जिप लॉक बैग्स. आप जब यहाँ से कट कर दोगे ना उसको, तो ये जिप लॉक बैग है, तो मैं इसको रीयूज भी कर सकती हूँ. आई लव इट जब ब्रांड्स ऐसे जिप लॉक बैग्स देती हैं, बिकॉज खाली प्लास्टिक होता है ना, तो फिर उसको फेंकना पड़ता है, रीयूज नहीं कर सकती. ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसी पैकेजिंग में आते हैं, अंदर एक पेपर होता है, एंड देन वी हैव द क्लोथिंग आइटम. यू ऑल्सो गेट दिस बुकलेट थिंग विद ऑल ऑफ योर ऑर्डर्स, कुछ इस तरह से आती है. सो इसमें सबसे पहले ये एक कार्ड दिया हुआ है जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है. हमारे इनवॉइस होता है ऑर्डर का, प्लस दे हैव हैंड रिटन नोट्स एज वेल, विच इज सो क्यूट. आई लव इट जब ऐसे नोट्स मिलते हैं, और इसके पीछे जो थैंक यू वगैरह होगा होता है. और इसके साथ आपको मिलता है ये पोस्ट कार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. यहाँ पे एक लेडी बनी हुई है, और ये एक पोस्ट कार्ड है जिसको आप बेसिकली यहाँ से इजिली टियर करके आप इसमें कुछ भी लिख के किसी को सेंड कर सकते हो, टैग कर सकते हो पेजेस को. सो इट्स अ वेरी नाइस आइडिया एज वेल. और यहाँ पे इनकी पूरी आइडियोलॉजी भी लिखी है. सो दिस इज अबाउट द पैकेजिंग. अब स्टार्ट करते हैं इनकी क्लोथिंग रेंज के साथ. लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट हाइप्ड आइटम फ्रॉम ब्लिस क्लब कलेक्शन, विच इज देयर ब्लिस क्लब अल्टीमेट लेगिंग्स, जो बहुत ज्यादा फेमस है. अब क्या है ना, मैं जब इनके एड्स देखती थी, जो भी क्रिएटर प्रमोट करते थे, वो इसको रियल लाइफ में पहनने को प्रमोट करते थे. और मेरे पास जितनी भी जिम टाइट्स हैं, काफी शाइनी है, मतलब उनका एक पॉलिएस्टर वाली शाइन होती है. एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि इतनी शाइनी वाली जिम टाइट्स मैं अगर रेगुलर वे में पहनूंगी बड़ा अजीब नहीं लगेगा. बट जिस दिन मुझे रिसीव हुई, मुझे तब समझ आया कि क्यों आप इसको डेली लाइफ में पहन सकते हो, बिकॉज इट डजंट हैव दैट शाइनी पॉलिएस्टर वाली फील. ये एक्चुअल में जो मैं ब्रांड्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की जेगिंग्स भी पहनती हूँ ना वेस्टर्न टॉप्स के साथ, ये बिल्कुल वैसी फील देती है. बट इट इज एक्चुअली अ जिम टाइट एज वेल. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका बैंड बहुत अच्छा है, आई लव इट. दे हैव रियली हाई वेस्ट बैंड. तो अगर आप इसके साथ कोई शॉर्ट क्रॉप टॉप भी पहनोगे ना, आप कुछ एक्सरसाइज करते हो, हाथ ऊपर जाता है, होता है काफी बार अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इस केस में नहीं होने वाला, बिकॉज ये काफी हाई वेस्टेड है. ये मेरे बेली बटन से भी काफी ऊपर जाती है. एंड ऑफ कोर्स देयर सुपर फेमस पॉकेट. तो सबसे पहले आपको एक इसमें पॉकेट मिलती है डीप साइड. इसमें फ्रंट में आपको एक पॉकेट मिलती है जो डीप साइड पॉकेट है. आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में भी प्रॉपर फोन फिट आ जाता है. मतलब ऐसे नहीं कि फोन आधा दिख रहा है या फिर आधा फिट नहीं आ रहा, प्रॉपर फोन इसके अंदर फिट आ जाता है, दूर से पता भी चलता है. सो वेरी सेफ. एंड सिंस इसकी फिटिंग अच्छी है, तो फोन भी एकदम हग फिट में रहता है, सिक्योर भी रहता है. अगर आप जिम में जिम बैग नहीं लेके जाना चाहते, खाली आप सिपर लेके जाना चाहते हो, आप तभी भी जा सकते हो, बिकॉज इसकी पॉकेट्स इनफ है. देन दे हैव अ बैक पॉकेट एज वेल. यहाँ पे आपको एक जिपर वाली बैक पॉकेट मिलती है जिसमें ऐसे लॉक है. सो इनकी जिपर में अगर आप ऐसे कर दोगे ना, दिस 1, 2 एंड 3 ये लॉक हो गए, अब ये हिलेगी नहीं. सो इसके अंदर पैसे रख सकते हो. मैं यहाँ पर हमेशा अपना एक मास्क रखती हूँ, बिकॉज काफी बार में जल्दी जल्दी में निकल जाती, फिर मुझे याद आता है अरे मैंने मास्क नहीं रखा. सो एक मास्क मैं हमेशा यहाँ पर रखती हूँ, इजिली आ भी जाता है. लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है. सो यहाँ पे एक मास्क, आप कोई भी अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर थोड़ा सा कैश रख सकते हो, सेफ भी रहेगा बिकॉज ये ऐसे लॉक हो जाती है. एंड देन इट हैज टू हिडन पॉकेट्स फ्रंट में. इसमें यहाँ पे दो ऐसे हिडन पॉकेट्स हैं, मैश की ऐसे पॉकेट है, मैश बना हुआ है. और इस ये सबसे बेस्ट है एयरपॉड्स रखने के लिए, या फिर ईयरपॉड्स जो होते हैं आपके ब्लूटूथ वाले. काफी बार होता है आप लगा लेते हो, लेकिन फिर आपको ट्रेनर कुछ समझा रहा होता है, फिर आपको किसी बात को सुननी होती है, आप इधर उधर रखने से अच्छा आप इसी के अंदर अपने दोनों ईयरपॉड्स रख सकते हो. और टाइट भी रहते हैं, और ऐसा भी है कि इधर उधर घूम जाएंगे. सो अगर आप बीच बीच में उतारते रहते हो, लगाते रहते हो अपने एयरपॉड्स, तो ये पॉकेट काफी ज्यादा काम आने वाली है. अदरवाइज अगर आप कुछ और अपना कुछ छोटा मोटा कॉइन या फिर थोड़ा बहुत और कैश रखना चाहते हो, वो भी यहाँ पर आ सकता है. टॉकिंग अबाउट द लेंथ, लेंथ एकदम परफेक्ट है.
मेरी हाइट का मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ, वो है 5'1" के अराउंड और मुझे परफेक्ट आ रही है. देयर इज नो रोलिंग डाउन. द बेस्ट थिंग इज दिस एंकल साइज. ये जो इसका पूरा साइज है ना वो एकदम परफेक्ट है. मेरे जो एंकल्स हैं वो नीचे से बहुत ज़्यादा पतले हैं. काफ़ी सारी जो जिम टाइट्स है ना वो ढीली आती हैं और वो जो ढीली लुक आती है ना वो अच्छी नहीं लगती, बड़ी वियर्ड लगती है. बट इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है, प्लस देयर इज नो रोलिंग डाउन. बट टॉक अबाउट द फैब्रिक, मैंने बोला था ना इसमें पॉलिएस्टर वाली वो शाइन नहीं है. दो इसके अंदर पॉलिएस्टर है. इट हैज 73% पॉलिएस्टर, 27% स्पैंडेक्स. लेकिन इनका एक क्लाउड सॉफ्ट फैब्रिक है जो स्पेसिफिकली डिजाइन फैब्रिक यूज करते हैं, जो काफी अच्छा आपको हग फील कराता है. इसकी पॉलिएस्टर वाली शाइन नहीं है तो मैं इसको इजीली वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी पहन सकती हूँ. ये वो जिम टाइट्स वाली फील नहीं देती. प्लस दे हैव नो दैट एथलेटिक वाला डिजाइन गोइंग ऑन जो यूजली जिम टाइट्स में होता है. क्रॉस स्टिचिंग है जो होनी जरूरी है बिकॉज ये स्क्वाट प्रूफ होती है. जब आप डीप स्क्वाट भी करते हो या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो तो ये जो स्टिचिंग होती है ना यही आपकी जिम टाइट्स की लॉन्गिटिविटी को बढ़ाती है. इससे आपकी जिम टाइट्स खिंचती नहीं है, उसमें ऐसे अच्छे अच्छे नहीं दिखते. सो इसकी स्टिचिंग भी काफी अच्छी क्वालिटी की है. इट हैज नो कैमल टो इशू एज वेल. मैं बाकी भी जो जिम टाइट्स देती हूँ, मुझे सबसे बड़ा इशू यही रहता है उनमें कि कैमल टो निकलने लग जाता है, थोड़ा सा क्रॉच एरिया में अजीब लगता है. इसमें वो नहीं है. ये स्क्वाट प्रूफ है, इसका मटेरियल काफी अच्छा है. मैंने इसको 1 month में आई थिंक 3 से 4 बार तो अभी तक पहन ही लिया है, वॉश मल्टीपल टाइम्स करा लिया है. सो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी वर्थ इट. नेक्स्ट अप इज अनदर वायरल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लिस क्लब रेंज विच इज देयर अल्टीमेट फ्लेयर पैंट्स. इसकी तो मैंने इतनी बातें सुनी है ना, बिकॉज इसको आप कैजुअल वे में भी काफी अच्छे स्टाइल कर सकते हो. आजकल वैसे भी पैंट्स का ही फ्लेयर पैंट्स का फैशन चल रहा है. आजकल लोग ज्यादा फिटेड रियल लाइफ में इतना पहनना प्रेफर नहीं करते. ऑल्सो इफ यू आर समवन जिसको जिम टाइट्स पहनना इतना पसंद नहीं है, ये वाला है कि मुझे इतना फिटेड नहीं पसंद, मैं जिम भी जाना चाहती हूँ तो थोड़ा सा एक एयरी रहे, तो उसके लिए मैं आपको डेफिनेटली यही सजेस्ट करूंगी. मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम पहना था ना, मैंने पहनती मिरर में देखा, आई वाज लाइक वाओ, बिकॉज इसका जो फिट और फ्लेयर आता है, मतलब आई डोंट नो, इसको पहनने के बाद बड़ा अच्छा फील हुआ. इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है. इनफैक्ट जो एक्सट्रीम गर्मी भी हो ना तभी भी इसका फैब्रिक आपको इचिंग नहीं देगा, गर्मी नहीं फील कराएगा. आई लव द फैब्रिक ऑफ दिस वन. सो इसका एकदम सुपर हाई वेस्ट बैंड है, ये काफी अच्छे से ऊपर तक जाता है. ये फोल्डेबल है, बाय द वे आप फोल्ड भी कर सकते हो. आई थिंक इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एज वेल ना, प्रेगनेंसी आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ भी चल रही है, मतलब हल्की फुल्की अभी टमी निकलना शुरू हुआ है आपका, तभी भी ये पैंट्स आपको बहुत ब्यूटीफुली सूट करने वाले, बिकॉज ये आपको घुटन नहीं देते. यूजली जो आप पैंट्स पहनते हो बटन होता है, बहुत इलास्टिक होती है. इसका जो बैंड है ना वो बहुत कंफर्टेबल है. आई थिंक आई वुड हाईली सजेस्ट टू ऑल द एक्सपेक्टिंग लेडीज एज वेल. कमिंग टू पॉकेट थिंग, इसके अंदर तो और ज्यादा पॉकेट है. सो इसके अंदर आपको दोनों साइड मिलती है डीप पॉकेट्स. आप देख सकते हो वीडियो में प्रॉपर फोन फिट आ रहा है, दोनों साइड आपको पॉकेट मिल रही है. तो आप फोन रख सकते हो, सैनिटाइजर रख सकते हो, पैसे रख सकते हो. अगेन काफी हग फिट है ना, तो आपकी चीजें भी एकदम सिक्योर रहती है. ऐसा नहीं है कि ढीली पैंट है तो कुछ ना कुछ गिरता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. एंड पीछे भी आपको दो पॉकेट मिलती है विच इज सो गुड. मतलब आजकल आपको पैंट्स नहीं मिलती जिसके अंदर आपको 4 pockets मिल रही हो, इसमें मिलती है. इसमें कोई अंदर हिडन पॉकेट्स नहीं है, लेकिन ये जो 4 pockets हैं दे आर मोर देन इनफ. नीचे का फ्लेयर इसका बहुत अच्छा है. एज आई टोल्ड यू मेरी हाइट है 5'1" और जब मैंने इसको ऑर्डर किया था ना मुझे यही लग रहा था इसका फ्लेयर शायद लंबा आएगा, मुझे कटवाना पड़ेगा. बिकॉज मैक्सिमम केस में मैं अपने जो घर के पजामे भी लेती हूँ ना ऑनलाइन, मुझे कटवाने पड़ते हैं बिकॉज मेरी हाइट काफी कम है. लेकिन इसका फिट मुझे एकदम परफेक्ट आया. मतलब अगर आप 5'1" 5'2" के अराउंड भी हो ना, इसकी पैंट्स की लेंथ आपको परफेक्ट आने वाली है. स्पोर्ट्स शूज पहनने के बाद तो बिल्कुल भी ग्राउंड को टच नहीं होता, एकदम कंफर्टेबल रहता है. मैं अगर नेक्स्ट टाइम अपनी योगा क्लास के लिए जाऊंगी ना, पावर योगा हमें मिलती है क्लासेस, तो उसमें मैं यही पहनने वाली हूँ बिकॉज योगा के टाइम पे ऐसी पैंट्स कंफर्टेबल रहती है. टॉकिंग अबाउट द फैब्रिक कलर एंड साइज, इसका फैब्रिक है विंड फ्लो फैब्रिक जो काफी अच्छा ब्रीदेबल फील होता है. उसको भरी गर्मी से लेके ऑलमोस्ट हल्के हल्की ठंड में भी पहन सकते हो. अगेन द स्टाइल इज सो लाइक वर्सेटाइल. आप इसको वर्कआउट से लेकर डेली लाइफ में इजिली ट्रांजिशन कर सकते हो. आपको जिम के बाद कहीं जाना भी हो ना तभी भी इसमें जा सकते हो, ये वियर्ड नहीं लगती. मैं तो इसको डेली लाइफ में ज्यादा पहनने वाली हूँ. एंड इसमें जो मैंने कलर पिकअप किया है वो है बर्गंडी. सो दिस इज हाउ बर्गंडी कलर लुक्स लाइक. आई लव दिस वन. आई थिंक ये तो मेरा डेली लाइफ का फेवरेट होने वाला है बिकॉज पॉकेट वाली पैंट्स मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और अब मुझे फाइनली मिल गई. नेक्स्ट अप इज अनदर वर्कआउट एसेंशियल. इनफैक्ट इसके बिना तो आप कोई भी तरह का वर्कआउट नहीं कर सकते. लड़कियों को एक अच्छी स्पोर्ट्स ब्रा में इन्वेस्ट करना ही चाहिए. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ब्लिस क्लब लो इम्पैक्ट स्पोर्ट्स ब्रा इज द कवरेज. आपको फ्रंट कवरेज तो मिल ही रही है, जो क्लीवेज की कवरेज होती है, बिल्कुल भी आप बेंड हो गए प्लान करोगे क्लीवेज नहीं दिखने वाली. बट बैक की भी आप कवरेज देखो, ये बैक से पूरा एक कवर्ड स्पोर्ट्स ब्रा लुक है, जो मतलब कहीं से भी स्पोर्ट्स ब्रा से दूर से ही लग रहा है. बैक से आपको भी देखेगा तो ये प्रॉपर एक टॉप वाली फील देता है. तो आप इसको खाली भी पहन सकते हो, नीचे भी आपको एक
ब्रॉड बैंड मिल रहा है, आप देख सकते हो वीडियो में भी कितनी अच्छी कवरेज मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मैंने कोई हुक वाली या फिर कोई डीप नेक वाली स्पोर्ट्स ब्रा पहनते हो ना, तो वो थोड़ा सा जिम में अगर आप लाइक कोई टॉप वगैरह उतारो तो अजीब लगता है। बट अगर आप डायरेक्टली ये पहनना चाहते हो तो आप इसको भी पहन सकते हो, बिकॉज ये बहुत प्रिटी टॉप लुक देती है। इसमें मैंने कलर पिकअप किया है मोनिका मॉव, जो मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, सो मुझे लगा एक डिफरेंट कलर भी हो जाएगा। आई लव द कलर ऑफ दिस वन। ये इनकी अल्टीमेट लेगिंग्स के साथ बहुत प्यारा लगता है, मतलब इसका ब्लैक और ये मोनिका मॉव कलर बहुत प्यारा लगता है। दोनों का मटेरियल सेम है बाय द वे, जो अल्टीमेट लेगिंग्स का जो मटेरियल है क्लाउड सॉफ्ट, वही सेम मटेरियल इसका है, विच इज वेरी वेरी सॉफ्ट। पसीने भी आते हैं ना तो इतनी ज्यादा ऐसे गीली गीली नहीं फील होती, ऐसा नहीं फील होता मुझे सफोकेशन हो रही है। ये ड्राई आउट बहुत जल्दी हो जाती है एंड ये बैक एक्ने भी नहीं देती, बिकॉज इसका मटेरियल काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो इसमें वो रैशेस और बैक एक्ने के इशू नहीं है। टॉकिंग अबाउट द कप्स, इसके रिमूवेबल कप्स हैं एज यूजुअल जो स्पोर्ट्स ब्रा में आते हैं, सो आपको दो सेपरेट मिलते हैं इसके रिमूवेबल कप्स। एंड इसका जो निकालने का जो वो भी है ना एरिया, वो काफी अच्छा बड़ा है। मेरे पास एक दो स्पोर्ट्स ब्रा है वो ऐसे छोटा सा यहाँ पे एक स्लिट दे देते हैं, उससे कप ही नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा एरिया मिल रहा है, यहाँ से आप इजिली इनके कप्स को रिमूव कर सकते हो। और कप भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कप्स मैंने अब तक के जो मैंने जितनी स्पोर्ट्स ब्रा खरीदी है, मैंने और अच्छी हाई एंड ब्रांड्स की भी स्पोर्ट्स ब्रा ली हुई है। मुझे इसका जो कप है वो और ज़्यादा सॉफ्ट और मतलब अच्छी क्वालिटी का लगा। वन कशी का ज्ञान आई वुड से, अगर इसकी क्वालिटी आपको मेंटेन करके चलनी है ना, इसको निकाल के ही इनको वॉश किया करो। काफ़ी बार जब कप के साथ वॉश कर देते हो ये ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो इसकी शेप खराब हो जाती है। इसको आप निकाल के हैंड वॉश हल्का हल्का करके ड्राई कर दो, लेकिन इसके साथ इंसर्ट करके वॉश मत करना। ओवरऑल दिस इज अमेजिंग, इट इज लाइट वेट, इट इज ब्रीदेबल। अगर आपको थोड़ी सी सांस अच्छी लेने वाली स्पोर्ट्स ब्रा चाहिए ना, विच एट द सेम टाइम आपको होल्ड भी अच्छा दे, सो आई वुड से गो फॉर दिस वन। अगेन इसमें मैंने साइज पिकअप किया है एस, मेरा जो बस साइज है वो 34B के अराउंड है, तो मैंने एस साइज पिकअप किया था। लेकिन अगर आप इसमें ही और अच्छी होल्ड चाहते हो, आई वुड से एक साइज आप कम भी ले सकते हो, ताकि जब वो टाइट आएगा ना थोड़ा सा आपको और टाइट होल्ड देगा, बट मेरे लिए एस इज गुड इनफ। एंड फाइनली एट लास्ट आई हैव द ब्रीजी बेसिक टैंक टॉप, जो एक्चुअल में काफी ज्यादा ब्रीजी है और बहुत मतलब एक बेसिक टैंक टॉप है जो होना ही चाहिए, इसका नाम एकदम अप्रोप्रिएट है। रिलैक्स जिसकी फिट है बिल्कुल भी, ऐसे वो चिपके नहीं जाता। द बेस्ट थिंग इसकी हिप कवरेज भी अच्छी है, सो पीछे से एक ऐसे कर्व में हिप कवरेज देता है, विच यू ऑल नो आई लव। मुझे जब जिम टाइट्स पहनते हैं ना, घर से जिम जाने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है जब बहुत ज्यादा टॉप क्रॉप्ड होता है, छोटा होता है, बिकॉज पीछे का बम एरिया बहुत ज्यादा फिर शाइन करता है, लेकिन इसका कवरेज बहुत अच्छा देता है। सो इसमें मुझे वो टेंशन नहीं रहती कि पीछे से बम एरिया ज्यादा शाइन कर रहा होगा। सो अगर आप भी मेरे तरह थोड़े से कॉन्शियस हो तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अगेन नेकलाइन इसकी डीप नहीं है, अगर आप प्लैंक करोगे कुछ भी करोगे ऐसे इतना फॉल नहीं होने वाला। स्लीव्स भी इसकी बहुत एकदम परफेक्ट है, ज्यादा एकदम पतली नूडल स्ट्रैप वाली स्लीव नहीं है। दिस इज मेड विद 90% पॉलिएस्टर, 10% स्पैंडेक्स एंड दिस इज मेड इन इंडिया। बाय द वे इफ यू डोंट नो, ब्लिस क्लब इज अ मेड इन इंडिया ब्रांड, तो आप इसके प्रोडक्ट लोगे तो कहीं ना कहीं आप मेड इन इंडिया ब्रांड और प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हो। सो इसका जो मटेरियल है वो है ब्रीज फ्लो फैब्रिक, जो काफी ब्रीजी और लाइट फील होता है। अगर आप बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी करोगे ना, तभी भी आपको ज्यादा स्वेटी गीला गीला ऐसे चिपचिप फील नहीं कराएगी, या आपकी बॉडी से चिपकती नहीं है गीली होके, ड्राई आउट काफी जल्दी हो जाती है। हमें जरूरी है कि हम जब जिम जाए ना तो जिम वेयर वाले मटेरियल के कपड़े पहने, सो दैट जब पसीना है ना तो वो जल्दी ड्राई आउट भी हो। अगर आप नॉर्मल कॉटन पहन के चले जाओगे ना तो वो ड्राई आउट नहीं होता और फिर उसके पैचेस दिखते हैं। सो एक गार की ग्रेप कलर है जो काफी अच्छा, एक वाइन पर्पलिश कलर है, और मैं आपको एक बार कंपैरिजन दिखाती हूँ, बिकॉज मैं ऑनलाइन लेते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो मैं आपको एक ही स्क्रीन में कंपैरिजन दिखाती हूँ। दिस इज बर्गंडी कलर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज गार्गी ग्रे। सो आपको कलर का एक बार डिफरेंस पता चल रहा होगा। मुझे पर्सनली बर्गंडी कलर की पैंट्स अच्छी लगी, अगर मैं कलर सजेस्ट करूंगी ना तो ये वाला करूंगी। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन ऑल द ब्लिस क्लब हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स। आई थिंक मैंने इनकी मैक्सिमम जो रेंज है वो कवर कर ही दिया, और जो भी लोग मेरे से पूछ रहे थे इसको बताओ इसका बताओ, मैंने सब कुछ बता दिया इस वीडियो में, फ्रॉम कलर, साइज, फिट, लुक वाइज, एवरीथिंग। सो आई होप ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरा डिस्काउंट कोड भी है ब्लिस क्लब के साथ, विच इज कशिका 10, जो एफिलिएट कोड नहीं है, मैं इससे कुछ नहीं अर्न कर रही, ये खाली मेरी ऑडियंस के लिए है। तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आप ये कोड लगाओगे इनकी वेबसाइट पर, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा, सो यू कैन सेव सम मनी एज वेल। और बाकी जो डील्स डिस्काउंट चलते रहते हैं वो भी आपको एडिशनल ऑफ दे देंगे, तो हर चीज आपको काफी अच्छे एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। इसके अलावा डू लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ब्लिस क्लब प्रोडक्ट्स। अगर आपने इनमें से कुछ भी लिया अपना रिव्यू भी नीचे डाल सकते हो। आपका अगर प्लस साइज है तो अपना भी रिव्यू बताओ। वैसे इनका साइज जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा है, मैक्सिमम चीजें इनके पास डबल ट्रिपल एक्सल तक भी मिल रही है। बहुत सारी ब्रांड्स है जो अभी भी जिम टाइट्स और पैंट्स आपको इस साइज में नहीं देती, ब्लिस क्लब आपको बहुत अच्छे साइज वैरायटी भी दे रही है। सो डेफिनेटली प्लस साइज वालों के लिए भी ये ब्रांड एकदम
बेस्ट है, लेकिन अगर कोई प्लस साइज का है जिसने पहनी हुई है, ट्राई करी हुई है, अपना रिव्यू देना चाहते हो, यू नो आप कमेंट्स में अपना रिव्यू डाल सकते हो। डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द लिंक्स, मैं सबके सेपरेट लिंक्स भी दे दूंगी, डिस्काउंट कोड जो भी चल रहा होगा वो सारे आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डू फॉलो माय इंस्टाग्राम फॉर मोर, मैं अपनी जिम की सारी स्टोरीज इंस्टाग्राम पर डालती रहती हूँ। अगर आप मेरी डेली बेसिस पे जिम मोटिवेशन वाली स्टोरीज देखना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chauhan, यू कैन सर्च मी ऑन इंस्टा एज वेल। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।